गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक नया दिन और एक नई की शुरुआत के साथ तुम्हारा भाई जा रहा है आज हॉस्पिटल। तुम्हारा भाई जा रहा है शिफ्ट नहीं लगाने जा रहे, मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में ब्लड वर्क करवाने। तो ये देख लो भाई, बाहर का मौसम कुछ ऐसा है क्योंकि हमेशा ही ऐसे रहता है। और पर देख लें, कोई छुट्टी तो नहीं है। ये आया, देख लो भाई, इलेक्शन पा दियो, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं है। इसको यहीं छोड़ देते हैं बाहर और चलते हैं, क्योंकि 1:30 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो देखते हैं, मैंने कहा यार एक साल हो गया, मैं कहा एक थोड़ा मोटा ब्लड वर्क ही करा लो, पता तो चल जाए बॉडी में क्या फंक्शन बदले हैं क्या नहीं। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं और आपको मिलते हैं। मैंने सोचा फ़ोन उठा के दिखा दूँ, ये देखो भाई गाड़ियों ने ये दिवाली के वो कर रखे हैं गोरों ने, दिवाली और हेलोवीन इकट्ठे थी ना, तो गोरों ने कर रखे हैं। ऐसे बनाओ वीडियो, हाँ ऐसे सही है। और ना मेरा आगे से कार आ जाए और मैं गिर जाऊँ, और अगला बोलते कि भाई तो मैं देख रहा था भाई ठंड वाले मौसम से ना परेशानी कोई नहीं है। दिक्कत आती है जब यहाँ पर ठंडी हवा चलती है, अटलांटिक जोन की हवा ठंडी, पता कितनी वो है, बुरा हाल कर देती है। जल्दी से जाओ पे, कभी मेरी बस निकल जाए। तो तुम्हें अपडेट दे दो थोड़ी सी, बस स्टॉप की थी कि पहुँचने वाले अपा। देख लो भाई माहौल कैसा है बस स्टॉप पे। बस वाला भी ला गया सानू कॉलेज के बाहर, कहता हो रहे तो दूजी बस फाड़ लो। मैं क्या तुम क्यों नहीं छोड़ोगे, कहता भाई मैं वो बस जा ही नहीं रहा। मैं क्या यार इदा ना करो प्लीज़, कहता नहीं यार इदा थोड़ी हो सकता। मैं क्या ठीक है यार, फिर खड़ा दे मैनू आ देखो। ओ एक मिनट, ओहो हड्डियाँ का लाया हुआ हैलोवीन का बस स्टॉप टू सिडनी। आ भाई एड्डी की यूनिवर्सिटी है साड़ी, एड्डी बड़ी पर क्लासा बहुत घट ने। देख लो भाई जड़ा भी आएगा ना यूनिवर्सिटी, इधर यूनिवर्सिटी है साड़ी। तो ये बस है जी जा रही है ग्लेस वे, आपको जाना नहीं होटल फोर्ड, तो साड़ी वाली भी आने वाली है 10-15 मिनट। लो जी भाई तुम्हारा पहुंच गया, देख लो ये अपना हॉस्पिटल जहाँ पे अपना टेस्ट करवाने हैं। अब अंदर जाएंगे और आपको मिलते हैं, फिर बताता हूँ आपको कितने क्या चार्जेस लगे और कितना क्या है सब। न्यू वाटरफोर्ड वाला है ये हॉस्पिटल, देख लो वो देख लो शिप, बहुत बड़ी है भाई ये, बहुत बड़ी शिप ये देख लो भाई। ऐसा है कुछ हॉस्पिटल देख लो। चलो चले यार बंद करते हैं, नो सेलुलर फोन, ओके बाय। लो जी बैठ गया आप अपनी बारी लाई, साढ़ा फोन फोम है जो मैं थोड़ा करके दिखाऊंगा। तो ना ही देखो ये साड़ी लैब है जितने अपना टेस्ट होएगा, बाथरूम ना अवॉइड करके आलम भी लाइन रखी है। आप अपने टेस्ट करावे फिर थोड़ा मिलेंगे थोड़ी देर। लो जी टेस्ट अपने हो गए सारे, हम आप जा रहे हैं अपने बस स्टॉप पर क्योंकि बस आने वाली है, तो ठंड पूरी हो गई है। तो अपना 1 रुपया नहीं लगे साडे हैल्थ कार्ड के कारण, तो अपनी रिपोर्ट आ जाएगी कल तक अपने डॉक्टर को ही चल जाएगी, जिन्हें ने अपा रिपोर्ट दी थी, तो आप लै लेंगे भी सानू दस दे भीर जी अपना की बने की नहीं। वो देखो स्कूल है उतना बी ई सी वाला, ओहो ठंड है भाई, न्यू बोर्ड फोड़ वाले तो मीह वाली बूंदा पै रही है। बस हम उरे खड़ा थोड़ी सी देर फिर चलेंगे घर, तो घर जाके दसेंगे नवी ताजी की है। कुछ नहीं खाया पिया तो मे बी जाके सब पे, तो मैं सब चक्का देखते हैं। आ देखो यार भाई फाइनली पहुंच के अपने घर के बहर, ठंड हो रखी है 1 डिग्री टेम्परेचर हो रखा और हम ऐसे ही घूम रहे हैं क्योंकि हवा चल रही है, तो हवा के कारण हो रहा है ये देख लो। सीधा घर जाके चाय बना दो और फिर आपसे बात करूँगा, ठीक है गाइज, ओके बाय टिल देन। घर आप आके चाय पानी बना लिए, मैं इदा की लग रहा है लीक है कप मेरा, चलो कोई नहीं चाह आप बना ली। आप बना लिया सैंडविच अपने लिए, बस खा के हम सीधा कंबल च बह जाएंगे, फिर देखेंगे की करना है। शाम को काम पर भी जाना है, बड़े दिनों बाद अच्छ काम मिले तो मैं सोचा भी आप शाम को जाइए तो अपना करके आ जाइए। ठंड बहुत होगी भाई, हीट ऑन की है, मैं कह पहला मैं सोचा भी ना चलावा, फिर मैं सोचा चल कोई नहीं थोड़ी देर तो चलन दे, बाद देखा की होंगे की नहीं।
ਛੱਟ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਐਨੇ ਕੁ ਗਰਮ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਲੋਗ ਨੂੰ ਰਹੀ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਕਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਆਹ ਵੀ ਦੀ ਬੱਚਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਬਲੂਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਪਲ ਐਪ ਹੈ ਮੇਪਲ ਐਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ NSHA ਦੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਫੋਨ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਲ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕਰਤੀ ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਟੁਸਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏਗੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਉ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ DM ਕਰ ਸਕਦਾ ਲਿੰਕ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓ 'ਚ ਹੈਗਾ ਯੂਟਿਊਬ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ID ਹੈਗਾ love.saini ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਸਿਡਨੀ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਲਈ ਜਾਂ ਐਂਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਏਰੀਆ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।